बीजेपी को जो यूपी में लॉस हुए हैं उसने साउथ में गेन किया है। नंबर वन तेलंगाना, बीजेपी को 7 है, इंडिया को 8 है, और AIMIM हम जानते हैं 1 होगा उनको। अब सॉरी, तेलंगाना AIMIM और BRS1, ये गेन है बीजेपी को। जो गेन साउथ में हुआ है वो उसने कॉम्पनसेट किया है यूपी में लॉस से, लॉस का। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए, कर्नाटक में, अभी तमिलनाडु में दिखा रहा हूं, वहां पे बहुत ज्यादा गेन्स नहीं है हालांकि, लेकिन तमिलनाडु जस्ट वन राइट नाउ। यहां पर बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इन दोनों का, ADMK का और इंडिया अलायंस का। लेकिन जो अगली जगह जहां पर बीजेपी को फायदा हुआ साउथ में वो देखिए, तेलंगाना आपने देखा, कर्नाटक एंड आंध्रा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, एंड केरल ऑल्सो। ये देखिए, कर्नाटक में बीजेपी 21, मतलब इंडिया अलायंस 21, विच इज इंडिया अलायंस 21 विच इज गुड, इंडिया 7, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए वहां पर। आप जानते हैं सरकार किसकी, उसके बावजूद भी इंडिया 21 है। नेक्स्ट दिखाइए, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना, आंध्रा और केरल की। दिखाइए जरा जो लॉसेस हुए हैं उनको यूपी में, उससे उन्होंने कहां पर कॉम्पनसेट किया है, क्योंकि 294 आफ्टर बैड परफॉर्मेंस इन यूपी बड़ा मुश्किल होता है। आंध्रा 20 सीट्स, एनडीए टीडीपी की इसमें ज्यादा सीट्स हैं, लेकिन ये इनके एनडीए के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है 20 सीट्स लाना आंध्रा में। एंड मैं आपको बता दूं, आंध्रा में दादा ने हमें अभी अभी बताया टीडीपी हैज ऑलमोस्ट स्वीप द स्टेट इलेक्शंस, यानी आई जस्ट सेड दैट। ये देखिए, टीडीपी ने उसको स्वीप किया है। नेक्स्ट दिखाइए, इसके साथ अभी अभी मैंने वो बताया अपने दर्शकों को, केरल यहां पर 2 सीटें मिली हैं बीजेपी को, LDF 1 इंडिया 17। और हमारे साथ स्टूडियो में हेमंत सर आ चुके हैं। सर, सबसे पहला आपका पहला रिएक्शन इस रिजल्ट्स पर, पहले तो कंग्रेचुलेशन सर, जो कंजर्वेटिव तरीके से हम अप्रोच दिखा रहे थे सुबह से, हम ही एक हैं जो एकदम रिलायबल तरीके से इधर उधर नहीं भागे, डायरेक्ट अप्रोच, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे थे। मैं आपका जवाब देने से पहले डेटा मोशाय से जानना चाहूँगा कि आखिर सारे एग्जिट पोलिस्टर्स मुंह के बल गिरे क्यों? बिल्कुल सही, हम सच के सबसे करीब थे। You're right. जो ये नंबर दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये 300 के आसपास जाके सेटल होगा। हमने 311 दिखाया था, तो हम सबसे करीब थे। जो 400 दिखा रहे थे, डेटा मोशाय से मैं जानना चाहूँगा कि ये हुआ क्या? सर, यूपी बहुत बड़ा सारे एग्जिट पोल के लिए सरप्राइजेस आया, तो यूपी में इनिशियली जो एक्सपेक्टेशन था 77-80 ऑल 80, वहाँ पर यूपी में सर आप देखेंगे 35-36 सीट्स का। नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों ने में बीजेपी को झटका दिया है, और उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त झटका दिया है। अभी जो मैं रिजल्ट देख रहा था उसमें ईस्टर्न यूपी में केवल बनारस और भदोही को छोड़कर बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। चौंकाने वाले रिजल्ट ये हैं कि जो राम जन्मभूमि और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, उस फैजाबाद अयोध्या की सीट पर भी बीजेपी पीछे है। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे पीछे हैं। श्रावस्ती में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे साकेत मिश्रा पीछे हैं। गोंडा में पीछे हैं, बस्ती में पीछे हैं, संत कबीर नगर में जो LI पार्टी है, निषाद पार्टी, उनके संजय निषाद के बेटे पीछे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल पीछे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी पीछे हैं। जो सीट कभी बीजेपी नहीं हारती थी इलाहाबाद, उसमें केसरीनाथ जी के बेटे नीरज त्रिपाठी पीछे हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है सर, देख एक ट्रेंड कि कुछ 2 सीटें ऐसी हैं, लखनऊ और मोहनलालगंज और चंदौली की आधी सीट बनारस शहर की सीट है, बनारस की कचहरी का हिस्सा चंदौली में आता है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे है। लखनऊ एयरपोर्ट मोहनलालगंज में आता है, राजनाथ सिंह जी के लड़ने के बावजूद मोहनलालगंज में पीछे है। तो उत्तर प्रदेश के चौंकाने वाले नतीजे हैं, बहुत ही नतीजे ये क्यों है डेटा मोशाय? मुझे लगता है जातिगत आधार पर आप इसका ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या, ये कैसे ये झटका लगा? देखिए सर, मैं इलेक्शन टाइम में एक इंडिकेशन जो देख रहा था, बीजेपी का जो MP लोग है बहुत कंप्लेन कर रहा था जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इतना बड़ा सडनली इतना बड़ा स्विंग, ये सर देखिए ये क्वेश्चन मार्क है नंबर 1। नंबर 2 क्या सर, BSP का वोट, BSP का वोट सर एक ड्रॉप होना,
बीएसपी लोग देख रहे हैं बीएसपी तो जीत नहीं सकता है, तो संरक्षण वाला जो मुद्दा है आप देखेंगे जितना ये फर्स्ट फेज वाला, आप ये मैप में देखेंगे सर, यहाँ पे हमारे पास ये मैप में देखेंगे फर्स्ट फेज बीजेपी ये अच्छा किया, ये जो बेल्ट है वेस्टर्न यूपी में अच्छा कर रहे हैं, पर आप जितना इस फेज में अंदर जाते जा रहे हैं ठीक है सर, उतना संरक्षण का जो मुद्दा है ये मुझे लग रहा है इनिशियल ट्रेंड से वो बहुत काम किया, दलित वोट एक मेजर शिफ्ट हुआ। नहीं आप ये देखिए ना, अवध पूरा का पूरा गायब हो गया, पूरा गायब हो गया, ये अवध पूरा का पूरा गायब हो गया है, ईस्टर्न यूपी एकदम गायब है, मिर्जापुर सोनभद्र का इलाका गायब है, तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय है, और मुझे लगता है सारी मैथमेटिक्स यूपी और बंगाल उसको गड़बड़ कर रहा है। महाराष्ट्र में तो अपेक्षित था, महाराष्ट्र के रिजल्ट अपेक्षित लाइन पे है, पर बंगाल और उत्तर प्रदेश मुश्किल है। डेटा मोसर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक जो पिछड़ी जातियाँ थीं, यादवों को छोड़कर बाकी पिछड़ी जातियाँ थीं, उनका बिहेवियर कैसा रहा है? राजपूतों ने वोट नहीं दिया, राजपूतों ने वोट नहीं दिया, मुख्यमंत्री अनमने से थे, और दलितों का कुछ वोट शेयर जो बहुजन समाज पार्टी के हाशिए में जाने से हुआ वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? नहीं, दलित वोट तो सर मूवमेंट हुआ है तो क्लियर है, नंबर वन। नंबर टू सर देखेंगे आप, जब लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी का जो वोट शेयर था, बीजेपी वही वोट शेयर होल्ड करके रख पा रहा है सर। आप देखेंगे 43% वोट शेयर था बीजेपी का, 42-43 आप देखेंगे वही वोट शेयर आ रहा है, तो एडिशनल कुछ ऐड नहीं हो पा रहा है, नेशनल इश्यू शायद नहीं था इसलिए ऐड नहीं हो पा रहा है। नहीं, दोनों के वोट शेयर लगभग बराबर है, 42-42%। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो 2021 में जो असेंबली इलेक्शन यूपी में हुआ तब बीजेपी का जो वोट शेयर था, और आज 2024 में बीजेपी का जो वोट शेयर है सेम है। तो जो असेंबली टू पार्लियामेंट में जो जंप होना चाहिए, आरएलडी ऐड करना, एसबीएसपी ऐड करना, निषाद पार्टी ऐड करना, अपना दल सोनियाल ऐड करना, ये जो सोशल कोएलिशन करने का कोशिश किया वो काम नहीं दिया, वो इस बार टूटा है, उस बार टूटा है इस बार 14 के बाद पहली बार टूटा है, पहली बार टूटा है। और क्यों टूटा है, कौन कौन सी जातियां गई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको देखना, क्योंकि मैंने पहली बार उत्तर प्रदेश को, मैं पिछले 35 वर्ष से रिपोर्ट कर रहा हूँ, पहली बार मैंने यादव लैंड में फिरोजाबाद मैनपुरी इटावा कन्नौज इसमें दलितों को यादवों के साथ वोट करते हुए देखा। आप देखेंगे सर कांग्रेस का नंबर देखिए सर, कांग्रेस 7 या 8 सीट में आ गया है, शायद कांग्रेस का कोई सोचा भी नहीं था, 3-4 आप पूछते थे कितना सीट आ सकता है, 3-4 बोलता था, तो मतलब सर एक दलित वोट जो कांग्रेस का फ्लेवर में मूव हुआ ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू सर कुर्मी वोट, आप देखेंगे गोंडा सीट कौन जीत रहा है सर, सपा, कौन कैंडिडेट है, कुर्मी। आप देखेंगे सर वो श्रावस्ती में भी कुर्मी कैंडिडेट जीत रहे हैं। हाँ, तो कैसे और लोगों ने भी वोट सपा को दिया सर, मतलब सर मेजर ये जो बेल्ट, आप देखिए सर मिर्जापुर में अगर अनुप्रिया पटेल पीछे है सर, विदाउट कुर्मी वोट अगर टूटा हुआ वो सीट सर बहुत ही मुश्किल है, वो तो बहुत कुछ 100 वोट से पीछे है, मुझे लगता है वो सीट तो ठीक कर लेंगी वो, बट द ट्रेंड जो है सर कुर्मी का वोट एक शिफ्ट होना एक क्लियर इंडिकेशन है, यादव बहुत कंसोलिडेटेड है, मुस्लिम कंसोलिडेटेड है, दलित आया प्लस सर एक कुर्मी ये सीट आया। और देखिए सर जो मैं आपको सर बार बार बोलता था आजमगढ़ सेंट्रिक सीट और मैनपुरी सेंट्रिक सीट सर, आप देखेंगे ये बेल्ट में सर बहुत अच्छा कर रहा है सर इंडिया अलायंस।